हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकंड ईयर क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। आज अपन सब ग्रुप वाले चैप्टर में एक और कंसेप्ट जो है अभी डिस्कस करेंगे, और वो कंसेप्ट है रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। है तो छोटा सा कंसेप्ट पर इसमें काफ़ी कुछ समझाने के लिए है, इसलिए आज एक छोटा सा ही पोर्शन अपन ज़्यादा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप एक्चुअली होता क्या है। तो पहले आप देखें कि इसमें जो डेफिनेशन दे रखी है कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप की, वो है किसी ग्रुप जी का कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय, है ना, सबसेट होना चाहिए किसका, ग्रुप जी का। ये मान लो अपन ने बोल दिया कि H, ये क्या है, अभी तक इसको सिर्फ अपन ने ये बोला है कि ये सब ग्रुप हो या ना हो, एक सबसेट है सिर्फ ये। यानी जो ऑपरेशन स्टार अगर ग्रुप जी में था, वो जरूरी नहीं है कि वो स्टार ऑपरेशन अभी इसमें भी काम कर रहा है। अभी अपन ने सिर्फ इसको सबसेट का ही दर्जा दिया है, किसका, ग्रुप जी के सबसेट का। चाहे ग्रुप हो या ना हो, ग्रुप जी का सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स कहलाता है, कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ये समझने की बात जो है वो ये है कि ये ग्रुप जी का सबसेट है, इसका सब ग्रुप होना या ना होना जरूरी नहीं है। तो सबसेट ये वाला ग्रुप जी का कॉम्प्लेक्स कहलाता है। कब, यदि, कैसे परिभाषित करते हैं इसको, वो देखें कि एच के इज इक्वल टू एच के, सारे एच के वाले भर लो इसमें, जो एच बिलोंगिंग टू एच एंड के बिलोंगिंग टू के हो, तथा एच इनवर्स यदि निकालें तो एच, सारे एच जो कि एच को बिलोंग कर रहे हैं उनका सबका क्या हो, इनवर्स इसमें भरा गया हो। ठीक है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि एच के जो होगा कंटेन्ड इन जी होगा, एंड एच इनवर्स भी कंटेन्ड इन जी होगा। तो क्या परिभाषा रही, किसी ग्रुप जी का कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय, चाहे वह उपग्रुप हो या ना हो, ग्रुप जी का कॉम्प्लेक्स कहलाता है। सिंपल बात है, कॉम्प्लेक्स कहलाता है। सबसेट निकाल लो किसमें से, ग्रुप जी में से, वो बन जाएगा क्या आपका, कॉम्प्लेक्स। और यदि H तथा K किसी ग्रुप G के सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स हों, कॉम्प्लेक्स अब ये मान लिया अपन ने कि हैं, तो सम्मिश्र के गुणनफल H के तथा सम्मिश्र के प्रतिलोम को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। तो जो H और K थे क्या थे, कॉम्प्लेक्स थे। अगर हमको इसका गुणनफल लेना है, H के लेना है, तो H के इस तरह परिभाषित किया जाएगा कि H के सारे H के वाले एलिमेंट का सेट होगा, सच डेट H बिलोंगिंग टू H एंड K बिलोंगिंग टू K। H इनवर्स क्या होगा, सारे H जो हमने कैपिटल H में से लिए हैं उनके इनवर्स का जो सेट बनेगा, डेट विल बी H इनवर्स। तो ये दो जो है डेफिनेशन तो एक ही है कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप की, पर ये दो चीज़ें हमने इसमें डिफाइन करने की कोशिश करी है कि एच के क्या होता है, मल्टीपल ऑफ टू कॉम्प्लेक्सेस, और इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इनके बारे में अपन ने बात की है। और ये बात उपरोक्त से स्पष्ट है कि एच के इज कंटेन्ड इन जी। जो एच के हम बनाएंगे, सेट बनाएंगे, वो जरूरी है कि या तो जी में कंटेन्ड होगा या फिर जो है जी के बराबर होगा। और H इनवर्स जो हम बनाएंगे उसमें क्या खासियत होगी, या तो वो G के अंदर होगा, कंटेंड होगा, या फिर वो G के बराबर होगा। तो ये दो डेफिनेशन अलग से हैं जो हमने H के और H इनवर्स के लिए दी है। ठीक है साहब, उसके बाद अपन चलते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं, क्या कि H के निकाला और H इनवर्स निकालने की कोशिश करी। अपन ने दो चीज़ें निकाली हैं, क्या क्या, एच के निकाला है और H इनवर्स निकाला और K इनवर्स निकाला है। तो एक एग्जांपल है कि H अगर ये ले लिया जाए -1 1, और K जो है आयोटा ले लिया जाए। अब ये देखो, इस बारे में मैंने बहुत पहले बात की थी और ये कहा था कि ये एग्जांपल कई जगह हम लोग काम में लेंगे। ये वाला गुणात्मक ग्रुप कौन सा, ये ग्रुप बनता है -1 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, किस ऑपरेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। ये जी जो है ग्रुप बनता है। तो इस ग्रुप जी में से हमने क्या करा साहब, एक हमने सबसेट निकाला -1 1, ये पड़ा, और दूसरा हमने सिर्फ निकाला क्या, आयोटा, जिसको हमने नाम लिया क्या, के। तो एच और के जो है क्या बन गए साहब, कॉम्प्लेक्स बन गए, किसके, ग्रुप जी के। और ग्रुप जी क्या था, -1 1 आयोटा एंड
माइनस आयोटा था, ठीक है। अब हमने क्या करा, एच के निकालने की कोशिश करते हैं। हम एच के कैसे निकालते हैं, तो एच के निकालने के लिए एक सीधा सा तरीका ये समझ लो आप, ये जो करा हुआ आपको दिख रहा होगा क्या है, पर इसमें मतलब ये है कि पहले आप एच सेट पूरा रख लो। एच सेट पूरा क्या है, माइनस वन एंड वन, ये एच सेट है। अब आपको के एच के निकालना है ना, तो के का एलिमेंट यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आयोटा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस वन इंटू आयोटा माइनस आयोटा ये पड़ा, और वन इंटू आयोटा ये पड़ा आयोटा, तो एच के निकल गया इससे। यानी के एच के हर एक एलिमेंट से के एलिमेंट को गुणा करके हमने ये रख दिया, ये बन गया एच के। अब आई बात क्या, एच इनवर्स निकालने की। अब इनवर्स निकालने के लिए वैसे तो क्या है, सीधा सीधा रेसिप्रोकल कर लिया इसमें, तो वन जैसे माइनस वन था ना और वन था, तो वन अपॉन माइनस वन रख लिया और वन अपॉन वन रख लिया, रेसिप्रोकल कर लिया, ये भी इनवर्स बन गया। पर इनवर्स जो अपन ग्रुप की डेफिनेशन में जानते हैं वो क्या होता है कि एक एलिमेंट यहाँ रखा जाए, पहले देखें आप ए, और पास में उसका अगर इनवर्स पड़ा हो और अपने को आइडेंटिटी मिल जाए, तो ये जो है इनवर्स कहलाता है किसका, इस ए का। तो अब आप देखो ये जो है ग्रुप, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन है इसमें, तो वन के साथ हम क्या ऑपरेट करें कि हमको वही एलिमेंट दोबारा मिल जाए। यानी वन के साथ क्या ऑपरेट करें, वन के साथ हम वन ऑपरेट करें तो हमको आइडेंटिटी वन मिल जाएगी मल्टीप्लिकेटिव, और माइनस वन के साथ हम क्या लगाएं कि हमको आंसर वन मिल जाए, माइनस के वन के साथ भी माइनस वन लगा दें तो हमको क्या होगा, वन मिल जाएगा। तो वन का इनवर्स वन हो गया और माइनस वन का इनवर्स जो है माइनस वन हो गया। तो ये पड़ा आपके लिए क्या, माइनस वन का इन्वर्स ये पड़ा माइनस वन, और वन का इन्वर्स क्या पड़ा, ये वन, ये इन्वर्स निकाल लिया हमने। अब के इन्वर्स निकालना है तो क्या मिलना चाहिए हमको, के क्या है हमारे पास, आयोटा है ना, तो हम क्या करेंगे कि आयोटा के पास ऐसी कोई चीज़ रखो कि आंसर वन मिल जाए। तो अगर आयोटा रख दें तो आयोटा स्क्वायर हो जाता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन होता है, पर हमको क्या चाहिए, आंसर वन चाहिए। तो यानी हम एक माइनस यहाँ लगा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू वन, तो आयोटा का इन्वर्स क्या निकल के आ गया अपने पास, माइनस आयोटा निकल के आ गया। तो ये तरीका हो गया एच के फाइंड आउट करने का, एच इन्वर्स फाइंड आउट करने का, और के इन्वर्स फाइंड आउट करने का। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमको एच के मिला या एच इन्वर्स मिला या के इन्वर्स मिला, ये सारे जी के अंदर कंटेंट हैं। देखें आप, एच के एलिमेंट क्या है, माइनस वन और माइनस आयोटा और आयोटा ये पड़े, माइनस आयोटा और आयोटा ये पड़े। एच इन्वर्स क्या है, माइनस वन और वन ये पड़ा, माइनस वन और वन। और के इन्वर्स क्या है, माइनस आयोटा ये पड़ा, माइनस आयोटा। तो जो भी ये एलिमेंट मिले हमको, ये सारे किसके अंदर निहित हैं, ये सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, जी के अंदर। तो यही बात अपन ने ऊपर कहने की कोशिश करी थी कि ऐसा यदि हो एच के एच इनवर्स, तो एच के कंटेंड इन जी होता है और एच इनवर्स भी कंटेंड इन जी होता है। तो इनवर्स निकालने का एक बार दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूं मैं, क्या फंडा है, फंडामेंटल ये है उसका कि एलिमेंट रखो और पास में इनवर्स रखो तो आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, और इस ग्रुप की आइडेंटिटी हम जानते हैं क्या है, वन है। अब जैसे हमको काय का चाहिए इनवर्स, वन का इनवर्स चाहिए, तो वन के पास क्या रखें कि आंसर वन मिल जाए, वन के पास वन रखें तो आंसर वन मिल जाए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है माइनस आयोटा माइनस वन है, इसके पास क्या रखें कि हमको वन मिल जाए, इसके पास भी माइनस वन रखें, तो ये एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स ये है, क्या चाहिए हमको अल्टीमेटली, वन चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका है एक से इन्वर्स निकालने का। उसके बाद उपरोक्त से स्पष्ट है कि ये तो स्पष्ट हो गया सब। अब एक दूसरा एग्जांपल और लिया है इसमें, और दूसरा एग्जांपल क्या है कि एच बराबर है माइनस 37, के बराबर है 26, और जेड प्लस जो है के दो सम्मिश्र हैं, कौन कौन से, एच और के। जेड प्लस क्या है, जेड प्लस वो है सेट ऑफ इंटीजर्स जिसमें कंपोजिशन क्या डिफाइंड है, प्लस कंपोजिशन डिफाइंड, ठीक है। तो एच के जो है, एच के जब निकालें तो एच के निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले एच के एलिमेंट रख लिए अपन ने, कौन कौन से, माइनस थ्री
ठीक है, फिर एक बार माइनस थ्री रख लिया क्योंकि के दो एलिमेंट है, फिर एच का दूसरा एलिमेंट रख लिया प्लस सेवन, फिर प्लस सेवन रख लिया। अब साहब आप क्या करो, के एलिमेंट उठा लो, के का एलिमेंट क्या है टू, पहले टू कर दो, के का एलिमेंट क्या है सिक्स है सिक्स कर दो, फिर के का एलिमेंट टू है, फिर के का एलिमेंट सिक्स है, प्लस बीच में इसलिए लगाया क्योंकि बात किसके बारे में की जा रही है, जेड प्लस के बारे में, और कॉम्पोजिशन क्या है हमारे पास प्लस है, इसलिए हमने एच के का जो सेट बनाया वो सारा का सारा सा ये बना दिया। अब इसको सॉल्व करो, माइनस थ्री प्लस टू कितना आ गया माइनस वन, माइनस थ्री प्लस सिक्स कितना आ गया थ्री आ गया, ऐसे नाइन और थर्टीन आ जाएगा, ये सारे आ गए। उसके बाद अपन आगे चले, एच इनवर्स हमने निकालना है। अब देखो माइनस थ्री है ना, अब अपने को इसकी जेड प्लस जो है ये इसमें कंपोजिशन क्या डिपेंड है प्लस, और प्लस के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है, ठीक है। तो ये माइनस थ्री का अगर हम इन्वर्स निकालना चाहें तो माइनस थ्री के पास क्या चीज़ रखें कि आंसर जीरो मिल जाए, प्लस थ्री रख दो तो आंसर जीरो मिल जाएगा। तो माइनस थ्री का इन्वर्स क्या हो गया प्लस थ्री, ये पढ़ो ठीक है। फिर हमको काय का इन्वर्स निकालना है सर, हमको निकालना है किसका, ये सेवन का, सेवन के पास क्या रखो क्या आंसर जीरो मिल जाए, सेवन के पास प्लस करो और माइनस सेवन रखो, तो सेवन का इन्वर्स कितना हो गया माइनस सेवन, ये पड़ा। इसी तरह के का इन्वर्स निकालना है आपको, के का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, के पहले ये क्या टू और सिक्स है, तो टू के पास क्या रखोगे क्या आंसर जीरो मिल जाए, टू के पास प्लस करो क्योंकि ऑपरेशन है, माइनस टू रखो, तो टू का इन्वर्स क्या हो गया माइनस टू, ये पड़ा टू का इन्वर्स माइनस टू, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट क्या है इसका, टू का के का सिक्स है, तो सिक्स के पास प्लस तो करना ही पड़ेगा, क्या रखें माइनस सिक्स रखें, तो क्या मिलेगा एडिटिव आइडेंटिटी जीरो, तो के का इन्वर्स क्या हो गया माइनस सिक्स। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि एच के भी निकालना सीख लिया, एच इन्वर्स भी सीख लिया और के इन्वर्स भी सीख लिया। इसी तरह इस वाले एग्जांपल में एच के निकाला, एच इन्वर्स निकाला, के इन्वर्स निकाला। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप के बारे में हमने डिस्कशन करा, ये कहीं कहीं आएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटा कंसेप्ट है पर समझने वाला कंसेप्ट है कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप डिफाइन करते हैं, कि ग्रुप जी का, ग्रुप जी तो हो पर इसका कोई भी सबसेट चाहे वो उपग्रुप हो या ना हो क्या कहलाता है, एच अगर है इसका सबसेट तो ये एच कहलाएगा कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करा और इन्वर्स कैसे डिफाइन करा ये हमने करा, और उसके बाद इस एग्जांपल और इस एग्जांपल की सहायता से ये निकालने की कोशिश करी कि एच के कैसे निकलेगा, एच इन्वर्स कैसे निकलेगा और के इन्वर्स कैसे निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगले टर्न पर अपन जो है अगला टॉपिक लेके आगे चलेंगे।